तो बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो की ओर। व्हाट विल हैपन टू द लेवल ऑफ वाटर इन अ कंटेनर इफ आइस क्यूब इज टेकन फ्रॉम द कंटेनर एंड आफ्टर मेल्टिंग अगेन पोर्ड इन द सेम कंटेनर। ओके, ये एक अच्छा सवाल है। आपसे पूछा गया है एक कंटेनर में पानी भरा है, अगर हम उस कंटेनर से आइस क्यूब ले लें और मेल्ट करने के बाद वापस उस कंटेनर में पोर कर दें, तो कंटेनर में वाटर की हाइट पे उसके लेवल पे क्या फर्क पड़ेगा। बच्चों पहले सिचुएशन को समझते हैं इस डायग्राम के थ्रू कि हो क्या रहा है एक्चुअल में प्रॉब्लम में। ये कंटेनर है जिसमें पानी भरा हुआ है, इसके ऊपर हमने एक आइस क्यूब डाल दी। अब वी नो दैट आइस इज लाइटर इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी देन वाटर, तो वो उस पर फ्लोट करेगा। बाद में हमने क्या किया, आइस इज टेकन आउट एंड देन आफ्टर मेल्टिंग आइस इज पोर्ड अगेन। तो अगर हम इसमें फ्लोटिंग कंडीशन लगाएं तो फोर्स ऑफ बायोंसी एक्टिंग ऑन आइस मस्ट बी इक्वल टू द वेट ऑफ बॉडी, यानी कि वेट ऑफ आइस। तो इस कंडीशन को अगर हम यूज करते हैं तो बायोंट फोर्स होता है बच्चों जिस फ्लूइड में आपने अपने ऑब्जेक्ट को डुबो रखा है, इमर्स कर रखा है, उसकी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाय कितना फ्लूइड आपने डिस्प्लेस करा है। मान लेते हैं कि वी वाटर इन्होंने डिस्प्लेस कर रखा है, दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ आइस। सो डेंसिटी ऑफ आइस मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ आइस मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस इक्वेशन से हमें वॉल्यूम ऑफ आइस का एक्सप्रेशन मिलता है, दैट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ आइस। अब बच्चों जो मेजर कंसेप्ट है यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मास का, कि आइस का जो मास है मेल्ट होने के पहले जब वो बर्फ अपने बर्फीले फॉर्म में था और मेल्ट होने के बाद यानी कि जब वो वाटर में कन्वर्ट हो गया, तो बच्चों मास तो सेम ही रहेगा। इट मीन्स मास ऑफ आइस इज इक्वल टू मास ऑफ मेल्टेड आइस। सो मास ऑफ आइस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ आइस मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ आइस, वेयर एज मास ऑफ मेल्टेड आइस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस। सो इस कंसेप्ट से भी हमारा वॉल्यूम ऑफ आइस निकल के आ रहा है, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ आइस। यानी कि वॉल्यूम ऑफ आइस बिफोर मेल्टिंग एंड आफ्टर मेल्टिंग बोथ आर सेम। यानी आफ्टर मेल्टिंग वो तो वाटर में कन्वर्ट हो गया, तो उसका उतना ही वॉल्यूम है जितना कि आइस का वॉल्यूम है। सो दैट मीन्स वाटर लेवल विल रिमेन सेम, क्योंकि मेल्ट होने के बाद भी वाटर का जितना कंट्रीब्यूशन है वो उतना ही है जितना कि आइस अपने फ्रोजन फॉर्म में वाटर डिस्प्लेस कर रहा था। तो जितना वाटर वो एज एन आइस डिस्प्लेस कर रहा था, मेल्ट होने के बाद वो उतना ही वॉल्यूम कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो बेसिकली वाटर का लेवल आइस के होने के पहले, मेल्ट होने के पहले जो था, मेल्ट होने के बाद भी वही रहेगा।